हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। आज 24 जून, आज है मेरा मैरिज एनिवर्सरी। तो और आज मेरा शादी का 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। बहुत मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, केयरिंग भी हैं। तो मैं सुबह में भी राम मंदिर गई थी, तो वहाँ पे मैं पूजा की और थोड़ा सा घूमी इधर उधर, तो अच्छा लगा। और क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इसके कारण मैं बाहर का कोई प्रोग्राम नहीं कर पाई थी। नहीं तो इस बार बाहर का ही प्रोग्राम था कि हम लोग थोड़ा सा बाहर चलेंगे, तो इस बार नहीं हो पाया। देखते हैं, नेक्स्ट बार होगा तो ज़रूर जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर लहसुन छील रही हूँ, मटर पनीर बनेगा शाम में, तो मैं अभी तैयारी कर रही हूँ खाने के कि क्या क्या खाना में बनने वाला है। तो मैं उसके लिए थोड़ा थोड़ा जो भी है तो मैं अभी तैयारी कर लेती हूँ। और दीदी लोग भी अभी नहीं आई हैं। दीदी मेरी जो दो ननद यहाँ पे रहती हैं, तो दीदी आएंगी और मैंने सबको जो मेरे क्लोज हैं तो मैं उनका इन्वाइट की हूँ। और यहाँ पे मुझे किट्टू बार बार परेशान कर रहा है, मुझे भी लहसुन छिल रहा है और बहुत एक्साइटमेंट है कि केक आने वाला है, केक आने वाला है, क्योंकि केक बहुत खाता है, इसको पसंद है। तो और मैं आज रेड कलर की साड़ी पहनी थी सुबह में, तो जब पूजा करने गई थी तो मैं ब्लू कलर का साड़ी पहनी थी, जो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और मैंने वहाँ पर लहसुन छील ली। अब मटर पनीर के लिए जो भी मसाले होते हैं, जीरा, गोलकी आदि, तो मैं यहाँ पे पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि ये सब किया हुआ रहेगा तो मैं टेंशन फ्री रहूँगी, बनाने में भी ईजी रहेगा, भीड़ भाड़ भी नहीं होगा। अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो अभी बेडशीट चेंज करना है, सोफ़ा कवर चेंज करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि सारा ये काम कर लेती हूँ। और गाइस, किचन का जो मेरा बोर्ड है वो पता नहीं क्यों कैसे ख़राब हो चुका है, तो मैं वहाँ पे मसाले नहीं पीस पाती हूँ, तो मुझे भी बनवाना है। और मेरा जो रूम में पूरा किट्टू चीस दिया, पूरा रूम मेरा गंदा करके रख दिया है। दोनों रूम में जो है पूरा पेन पेंसिल से पूरा चीस दिया है। और यहाँ पे देखिए इसका शरारती, इंद्र और यहाँ पे दीदी मम्मी आ गई हैं, तो दीदी पनीर लेके आई हैं, तो हाफ़ के जी पनीर है। तो देखिए यहाँ पे दीदी पनीर काट रही हैं और किट्टू साइड से खा भी रहा है। और गाइस, मैं जब ऐसे घर पे पनीर बनाती हूँ रेगुलर, जो मतलब हमेशा बनाती हूँ, तो मैं घर में ही दूध फाड़ के बनाती हूँ, तो आज थोड़ा सा टाइम भी नहीं था, लेट भी हो रहा था, तो इसलिए हम मार्केट से ही पनीर मंगवाई हूँ। और आप लोग वीडियो में बने रहें। और देखिए यहाँ पर पनीर कटेगा और जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और यहाँ पे चिंता देवी आ गई है, मेरी छोटी वाली ननद, जिनके घर हम आम लेने गए थे। तो मैं दीदी के लिए यहाँ पे चाय भी बैठा दी थी, तो चाय भी रेडी हो गया, तो मैं उनको भी छान के दे रही हूँ दीदी को चाय, चाय पी लेंगी। और इधर दीदी अपना पनीर फ्राई करेंगी हल्का सा, मतलब ज़्यादा पनीर तो फ्राई नहीं होता है। और देखिए यहाँ पे दीदी पनीर एकदम हल्का सा पनीर फ्राई करेंगे। और मेरा इधर खीर भी बन रहा है, तो अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, अभी तड़का पुलाव बहुत सारा अभी काम है। तो दीदी यहाँ पे प्याज काट रही है और बोल रही है मटर पनीर मंगवाने, सॉरी जो ग्रीन वाला मटर होता है तो मंगवाने के लिए। तो अभी श्वेता जाएंगी और फिर से मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को भी चाय पीना है। तो अभी
जिनका आदत रहता है चाय पीने के लिए, तो चाय पीते ही। तो मैं गर्मी में चाय नहीं पीती हूँ बहुत, कभी मतलब तो रेयर केस में मैं ठंडा के टाइम में चाय पीती हूँ। तो यहाँ मैं खीर में चीनी डाल रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें और ढेर सारा मेरे वीडियो को प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिएगा इज आप लोग, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग दिल से सपोर्ट कीजिए, और मैं भी बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, अकेले घर में रहती हूँ तो मैं कैसे शूट करती हूँ मैं ही जानती हूँ, प्लस मैं एक छोटा सा बच्चा। देखिए ये मेरी भैगनी है माया, ये छोटी दीदी है, अरे तनिषा मेरी भैगनी है। देखिए वो जो जींस वाली भागी, वो जींस वाली कौन है, वो जींस वाली कौन नहीं भाग के भागी है। क्या देखे किटू आपको क्या बोला, कौन है जींस वाली भागी, कौन जींस वाली, ये जींस वाली किटू है। अरे फिफ्टी बर्थडे। और मैं यहाँ सोफ़ा के कवर लेने आई हूँ, अब सोच रही हूँ कि टाइम हो गया है तो मैं अभी सोफ़ा के कवर चेंज कर देती हूँ, बेड से चेंज करती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं सोफ़ा के कवर निकाल रही हूँ, और जो भी छोटा छोटा काम है तो मैं भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना भी उधर बन ही रहा है तो फिर मुझे रेडी होना होगा तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए कवर निकाली, और बताइए गाइस मेरा कवर कैसा लग रहा है सोफ़ा का, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने कवर ख़रीदा था पटना से, 5 साल पुरानी है, मैं शादी में लेकर आई थी ये कवर। तो कभी वैसा कोई फेस्टिवल होता है या कोई पर्व त्यौहार होता है तो मैं इसको बिछाती हूँ, और जो पहले का कवर है पुराने वाला कवर तो मैं इसको हटा देती हूँ और धो भी दूँगी, बहुत दिन हो गया है। तो और यहाँ पे मम्मी झाड़ू लगा रही है, क्योंकि घर में सब आदमी आ रहा है जा रहा है तो थोड़ा सा रूम गंदा हो जा रहा है, और प्याज व्याज कट हुआ था तो इसके वजह से। तो देखिए मैं यहाँ पे सोफा के कवर चेंज कर रही हूँ, और देखिए कितना मेरा प्यारा कवर है। और बेडशीट भी मैं जो चेंज करूँगी वो बेडशीट भी देखिएगा, बेडशीट भी बहुत प्यारा बेडशीट है, प्योर कॉटन का बेडशीट है, तो मैं वो भी दिखाऊँगी आप लोग को फाइनल लुक मेरा बेडशीट का। तो मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और अभी रेडी भी होना है, और खाना भी अभी पूरी तरह से पूरा बना हुआ नहीं है लेकिन, बट इस बार तो हम खाना में उतना हेल्प नहीं कर पाए कि दीदी ही सब खाना बना रही हैं। तो जो जो थोड़ा थोड़ा काम है तो मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बैठी हूँ या ऐसा कुछ, भाई अपना पार्टी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरा 5 साल कंप्लीट हो गया शादी का, मेरा एक इतना बड़ा 3.5 साल का बच्चा भी हो गया। गाइस टाइम बीतते पता नहीं चलता, इसलिए आप लोग किसी का जो भी है कपल तो आप आराम अच्छे से प्यार से मोहब्बत से रहिए और लाइफ में इंजॉय। और मैं जो शाम का साड़ी पहनी थी वो पिंक कलर का बहुत प्यारा साड़ी है, और वो वीडियो आप लोग देख चुके हैं। और देखिए मेरा बेड ये सोफ़ा का कवर कैसा लग रहा है, और यहाँ पे ग्रीन मटर आ गया है तो मैं इसको भी कट करके थाली में निकाल रही हूँ। गाइस मटर पनीर तो अच्छा लगता है, बट जो ठंडा के टाइम में जो मटर छेवी मिलता है उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। तो बट वो तो अभी मिल नहीं पाएगा, तो अभी तो ये अच्छा, इसका भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है। तो मैं 1/2 kg मटर पनीर मंगवाई हूँ, सॉरी मटर ग्रीन वाला मटर। तो मैं अभी दीदी के दिखा रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, तो चलते हैं किचन में। और यहाँ पे दीदी मसाला भून के रेडी कर रही हैं, और दीदी बोल रही है इसको थोड़ा सा बॉयल करने के लिए, क्योंकि कच्चा टाइप का रहता है ना, तो मसाला ऑलरेडी भून चुका है। तो दीदी यहाँ पे देख रही बोल रही है कि फ्राई कर दो, सॉरी बॉयल कर दो, थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मसाला भी यहाँ फ्राई भून जा गया है अच्छे से। तो अगर मटर अभी डालेंगे तो अच्छे से भून जाएगा भी नहीं तो कच्चापन लगेगा। तो दीदी यही बोल रही हैं, और छोटी वाली दीदी बोल रही है नहीं उबालने के लिए, और मैं बीच में बैठ के सुन रही हूँ फाइनल डिसीजन क्या होता है। तो दीदी बोल रही है उबालने के लिए, तो मैं इसको भी उबालूँगी। और इधर मम्मी कचरा लेके जा रही है किचन में डस्टबिन में रखने के लिए। हर घर में छोटा पार्टी हो या बड़ा पार्टी हो,
और जिस दिन पार्टी रहता है उस दिन भर बिजी रहते हैं इंसान, सब लोग, एक नहीं सब लोग, जितने भी घर में सब लोग जो भी काम है काम करती रहते हैं। तो यहाँ पे दीदी, अरे दीदी जो हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, जो मेरी ननद लोग हैं बहुत अच्छी हैं। तो मैं यहाँ पे दीदी बोल रही हूँ उबालने के लिए, तो मैं जा रही हूँ उसको उबालूँगी मटर छेनी को। तो देखिए मैं यहाँ पे उबाल रही हूँ और गैस पे चढ़ा दूँगी तो जल्दी से उबल भी जाएगा। और गाइस प्लीज़ किचन मेरा इग्नोर कीजिएगा, किचन देखने में अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बट पता नहीं कब बनेगा कब नहीं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है इग्नोर कीजिए और मेरा वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, कमेंट दीजिए, कमेंट कीजिए क्या है क्या नहीं है। तो मैं नेक्स्ट बार से जो वीडियो में मेरा कमी रहेगा वो मैं सुधारूंगी। और थैंक यू गाइज, इतना अच्छा मेरा मैरिज एनिवर्सरी का जो ब्लॉग था, इतना अच्छा उस पर सपोर्ट आप लोग की, इतना अच्छा प्यार किए, प्यार दिए, तो दिल से आप लोग का थैंक यू। और जल्दी जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। और देखिए मेरा बेडशीट कितना अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा बेडशीट है। तो दीदी भी यहाँ बोल रही है कि बेडशीट बहुत सुंदर है, कितना में खरीदी है। देखिए कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि बेडशीट आप लोग को कैसा लगा, रियली बहुत अच्छा बेडशीट है। तो मैं कोई वैसा फेस्टिवल होता है या कुछ होता है तो अभी मैं इसको बिछाती हूँ। मैं इस मतलब बेड रेगुलर बेडशीट कॉटन ही है, तो वो रेगुलर अलग है, और बाकी जो कभी कुछ फंक्शन हो, पर्व त्यौहार हो, तो मैं उसके लिए अलग रखी हूँ। और अच्छा भी लगता है, घर में गेस्ट आ गए तो पुराने बेडशीट हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ और टाइम भी करीब 9 बज चुका है, तो लेट होने वाला ही है, अभी खाना भी पूरा कंप्लीट नहीं बना हुआ है। और यहाँ पे मैं फाइनल बेडशीट भी बिछा दी। तो अब देखिए मेरा रूम कितना अच्छा लग रहा है। और केक भी अभी फ़िलहाल आ चुका है और मैं दिखाऊंगी भी थोड़ी देर में बेडशीट बिछाने के बाद कि खाना में क्या क्या बना है, अभी तक क्या बना है। तो तड़का अभी बन रहा है और मटर पनीर बन गया, खीर भी बन गया, बाकी अभी जो रसगुल्ला तो मैं एक दिन पहले ही बना ली थी शाम के टाइम में, क्योंकि जिस दिन पार्टी वगैरह रहता है तो उस दिन बहुत सारा काम पड़ जाता है। तो मैं मंदिर भी गई थी, उसके नेक्स्ट डे मैं रात पूरी रात सोई नहीं थी क्योंकि वीडियो एडिटिंग कर रही थी। तो और जिस दिन मेरा मैरिज एनिवर्सरी था उस दिन हम बहुत थक चुके थे बहुत ज़्यादा, तो मैं सो गई थी। और गाइज आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो का सपोर्ट कीजिए। और देखिए यहाँ पे मटर पनीर बन रहा है, बन ही गया है। तो आप लोग मेरा वीडियो को प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए हो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए यहाँ पे खीर भी बन गया और खीर भी बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी, जितना भी खाना बना था बहुत टेस्टी बना था। और मैं ये भी दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या गिफ्ट मिला है, तो मैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग भी करूँगी, तो उसके लिए भी अलग से ब्लॉग आएगा। और यहाँ भी तड़का बन गया है। और गाइस जैसे आप लोग दूसरे को सपोर्ट करते हो वैसे मुझे भी सपोर्ट करो यार। और देखिए फाइनल यहाँ पे पनीर बन गया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।